हेलो एंड वेलकम। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो टॉप ऑफ द हिल हो, सपोज़ करो आप यहाँ पे हो, हाउ यू विल मेक द डिसीज़न सो दैट यू कैन रीच टू द डाउन ऑफ द हिल। सो यू कैन जंप इट ऑब्वियसली, बट देर इज़ नो ऑप्शन टू जम्प फ्रॉम द हिल। यू विल हैव टू टेक द स्टेप्स एंड यू विल हैव टू कम अप डाउन टू द हिल। सो आई एम आस्किंग दैट हाउ यू विल मेक अ डिसीजन फ्रॉम हियर सो दैट यू कम अप, यू गेट डाउन फ्रॉम दिस हिल ऑप्टिमली। ऑप्टिमली आई मीन टू से मे बी इंस्टीड ऑफ टेकिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टेप, यू हैव मेड द डिसीजन सच ए वे दैट यू टुक ओनली मे बी हंड्रेड्स ऑफ स्टेप्स एंड यू हैव रीच्ड डाउन टू द हिल। सो हाउ यू विल मेक द डिसीजन फ्रॉम दिस टॉप पोजिशन। सो अल्टीमेट वट आप क्या करोगे? आप अगर टॉप ऑफ द हिल हो तो सबसे पहली बात तो दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स को कम करने हैं, देन फ्रॉम हियर आई विल लुक अराउंड और मैं उस डायरेक्शन में स्टेप लूँगा जहाँ पे जो ये हाइट है सबसे ज़्यादा कम हो। कौन सा हाइट? ये फंक्शन का हाइट, और आप बोल सकते हो पहाड़ का हाइट, ये हिल का हाइट, ठीक है? तो मे बी आप यहाँ से इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, मे बी आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, मे बी आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, मे बी आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, बट इट डिपेंड्स इन विच डायरेक्शन जो ये डिक्रीमेंट है, ये जो जेड का डिक्रीमेंट है, दैट मीन्स कि ये सपोज करिए ये आपका कोई फंक्शन है, दैट आउटपुट है फंक्शन का, तो ये जो डिक्रीमेंट है ये ज़्यादा से ज़्यादा हो तो यू विल हैव टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। इससे क्या होगा कि आप एक स्टेप लीजिएगा तो वो ऐसा स्टेप होगा जो कि इस चीज़ को मैक्सिमम हाइट को जो है मैक्सिमम वो डिक्रीमेंट ला देगा, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, मे बी आप विद द सेम स्टेप आपने अलग ऐसा ऑप्टिमली डिसीजन नहीं लिया जिससे कि ये जो डिक्रीमेंट है हाइट का वो उतना नहीं होगा, उससे कम होगा, देन यू विल हैव टू टेक द मोर नंबर ऑफ स्टेप्स, राइट। सो वॉट यू हैव टू डू, यू विल हैव टू लुक अराउंड फॉर दैट डायरेक्शन विच इज स्टेपेस्ट 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 आई मीन टू से जहाँ पे आपका पूरा ढलान है बहुत, ठीक है, दैट डायरेक्शन यू विल हैव टू लुक। देन अगर आप उस ढलान में एक स्टेप लेते हो तो ये जो डिक्रीमेंट है ना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मे बी आप इस डायरेक्शन में आपने डिसीजन लिया और यहाँ तक पहुँचे, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से फिर आप देखोगे चारों ओर एंड यू विल लुक फॉर द ढलान, दैट स्टेपेस्ट वेयर दिस फंक्शन इज गेटिंग डिक्रीजिंग मोर। सो मे बी आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, बट वो क्या होगा कि ये जो डिक्रीमेंट है फंक्शन का वो लेस होगा, बट यू विल हैव टू टेक द ऑप्टिमल डिसीजन सो दैट फ्रॉम हियर मे बी आप यहाँ तक पहुँचे, मे बी आप यहाँ पहुँचे, ठीक। अब फिर आपको यहाँ से डिसीजन लेना है एंड यू विल लुक अराउंड एंड यू विल लुक फॉर द दैट ढलान, दैट स्टेपेस्ट थिंग, सो दैट यू टू टेक द स्टेप एंड दैट विल अगेन डिक्रीज योर हाइट सम मोर, ठीक है। अब फिर इस पोजीशन से आप अगेन यू विल लुक अराउंड एंड यू विल लुक फॉर द ढलान एंड देन आप जो है फिर, सो दैट वे इफ यू गो ऐसे अगर आप करते हैं तो दैट वे यू आर टेकिंग द स्टेप्स ऑप्टिमली एंड यू विल रिच मे बी विद द लेस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स टू द डाउन ऑफ द हिल, राइट। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द ग्रेडियंट डिसेंट। अब ये ग्रेडियंट डिसेंट जो होता है ना, ये ग्रेडियंट डिसेंट ये अभी हमने जो एक्सप्लेन किया उसमें ही था ये कहीं, ग्रेडियंट डिसेंट। वो क्या है ग्रेडियंट डिसेंट? क्या है ना, ग्रेडियंट डिसेंट
विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ स्टीप, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा स्टीप होगा ना, डैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। सो सपोज करो ये आपका कोई फंक्शन है, मे बी सम विथ टू वेरिएबल्स, सो कोई भी आप फंक्शन लो, जे थीटा जीरो थीटा वन, एंड ये कोई फंक्शन है जो कि इस पूरा जो ये आप देख रहे हो 3D ग्राफ उसको डिस्क्राइब कर रहा है। देन वॉट यू विल हैव टू डू इस, सपोज आप यहाँ पे हो, इस पॉइंट पे हो, एंड वट यू आर लुकिंग फॉर इज द स्टेपेस्ट थिंग, राइट? दैट ढलान यू आर लुकिंग फॉर द, हाउ यू विल फाइंड, यू विल हैव टू वनली कैलकुलेट द ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, एंड दैट ग्रेडियंट विल गिव यू द डायरेक्शन वेयर वेयर दिस फंक्शन, दैट द आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज फॉलिंग मोस्ट। सो ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो आपको डायरेक्शन देता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा फंक्शन स्टीप है, मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा ढलान है, ठीक है? तो आपको कुछ ढूंढना नहीं है कि मुझे स्टीप कहाँ से कैसे मिलेगा, ओनली यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट, एंड दैट ग्रेडियंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द ढलान, दैट इज देन यू फॉलो दैट एंड यू विल रीच समवेयर सम पॉइंट, एंड अगेन यू कैलकुलेट द ग्रेडियंट फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड यू लुक फॉर द, आप उस पॉइंट से फिर देखो कि ज़्यादा ढलान, सबसे ज़्यादा ढलान कहाँ पे है, ठीक है? तो कैसे वो ढलान फाइंड करोगे आप? देन जस्ट कैलकुलेट द ग्रेडियंट, एंड दैट ग्रेडियंट डायरेक्शन इज द स्टेपेस्ट, सो दैट जस्ट फॉलो दैट डायरेक्शन, यू विल रीच समवेयर एल्स, समवेयर देन अगेन कैलकुलेट द ग्रेडियंट डिसेंट, एंड दैट ग्रेडियंट डिसेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द स्टेपेस्ट, देन यू कैन अगेन सिमिलरली यू कैन डू दीज स्टेप्स, एंड अल्टीमेटली यू विल बी रीचिंग डाउन टू द हिल। सो नाउ लेट्स लुक एट दिस वन। सो अल्टीमेट आपका क्या है कि आप शुरू में कोई भी गैस कर लो, मतलब एंड इफ यू कैन रिकॉल इट फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स, दैट वाई वी आर ट्राइंग टू फाइंड दिस लोकल मिनिमा, बिकॉज दैट इफ इफ इसलिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको फॉर दिस पॉइंट वेयर फंक्शन हैव द लोकल मिनिमा, फॉर दिस पॉइंट यू विल हैव सम थीटा जीरो, राइट? एंड फॉर एंड थीटा वन ऑल्सो। सो ये आपको क्या देता है, बेस्ट फिट देगा फॉर द गिवन डाटा सेट, राइट? सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू फाइंड दिस थीटा जीरो एंड थीटा वन फॉर आवर हाइपोथेसिस फंक्शन, एंड हमारा अल्टीमेट गोल क्या रहता है ना कि यू विल हैव टू फाइंड दिस मिनिमा, एंड वंस यू गेट दिस मिनिमा एंड क्रॉस्पॉन्डिंग टू दैट मिनिमा, वट एवर द थीटा जीरो एंड थीटा वन विल बी, दैट विल बी आवर पैरामीटर फॉर द हाइपोथेसिस फंक्शन, और वो जो होगा वट एवर हाइपोथेसिस फंक्शन वी विल गेट, वे इट विल बी ऑफ बेस्ट फिट। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर देंगे, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट। सो लेट सपोज हियर वी हैव टेकन दिस, फ्रॉम हियर वी हैव स्टार्टेड, राइट? सो और ये जो पॉइंट होगा किसी ना किसी थीटा जीरो और थीटा वन के क्रॉस्पॉन्डिंग होगा, राइट? सो यू कैन टेक एट इनिशियल, इनिशियली आप क्या कर सकते हो, इनिशियल जो है वो आप गेस करो कुछ भी, एनी थीटा और जीरो यू कैन टेक। सो सपोज क्रॉस्पॉन्डिंग टू दैट यू आर हियर, राइट? नाउ नाउ हाउ यू विल अपडेट दिस थीटा जीरो एंड थीटा वन, हाउ द अपडेट विल हैपन, बिकॉज वट वी आर डूइंग फ्रॉम हियर वी आर लुकिंग एट द स्टेपेस्ट साइड ऑफ द फंक्शन, एंड दैट इन दैट डायरेक्शन वी आर गोइंग। सो आप फिर कहीं, लेट सपोज यू रीच्ड हियर, राइट? नाउ दैट, सो दैट पॉइंट, इस पॉइंट के क्रॉस्पॉन्डिंग भी कोई ना कोई थीटा जीरो और थीटा वन होगा। सो हाउ यू विल अपडेट
हाउ यू विल गेट टू नो दैट वट इज़ द नेक्स्ट थीटा जीरो एंड थीटा वन. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अपडेट द न्यू वैल्यू ऑफ थीटा. सो थीटा जीरो इज इक्वल टू थीटा जीरो ओल्ड माइनस अल्फा, दैट इज द लर्निंग रेट. वी विल लुक इन टू दिस इन डिटेल. सो एंड दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस कॉस्ट फंक्शन, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेड द गेस हियर, राइट, फॉर थीटा जीरो एंड थीटा वन. सो लेट सपोज वी हैव टेकन सम वैल्यू हियर फ्रॉम हियर थीटा जीरो एट दिस पॉइंट. मे बी यू हैव टेकन 0.5 थीटा जीरो एंड 0.8. सो दिस इज द इनिशियल गेस. सो हियर वी आर नाउ we have to reach here, and also we will have to update the new value of theta 0 and theta 1. So this is how you are going to update, right? So now this term, right? So this term, so this is the partial derivative of the cost function, and this alpha is the learning rate. We will look this learning rate in more detail in later videos. So same thing we will do with the theta 1 also. So theta 1 will get updated same way how we are doing the for the theta 0, right? So and how long we are going to update this until जो है आपका ये थीटा जो है वो कन्वर्ज नहीं हो जाता है, मतलब कि थीटा का वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं होगा. इट विल बी अप्रोचिंग द सेम वैल्यू इवन इफ वी गो इन द डायरेक्शन द थीटा न्यू जो भी होगा वो आपका जो होगा ज़्यादा चेंज नहीं होगा. सो लेट्स ओके फर्स्ट लेट्स लुक हाउ दिस इज ऑलवेज गिविंग द डायरेक्शन विच इज अप्रोचिंग द मिनिमम वैल्यू. सो वी कैन कंसिडर द सिंप्लीफाइड वर्जन वेयर वी कैन टेक दिस कॉस्ट फंक्शन एज अ सिंगल वैल्यूड variable. So we can neglect this theta 0 and let's take this j theta 1. In last video we have already taken, so we have taken the simplified version, and there if you observe that kaisa hum logo ka graph aaya tha, it was some kind of parabola, right? Aisa tha kuch. Single variable le rahe hain theta 1 yahan pe, agar single पैरामीटर ले रहे हैं. थीटा जीरो को हम लोग अभी नेगलेक्ट करके चल रहे हैं ताकि जो है हमारा ये आपका कॉस्ट फंक्शन है वो सिंपल हो, एक पैराबोला हो, ऐसा कुछ 3D टाइप का शेप ना हो. तो अब इस केस में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये जो चीज़ है, ये जो कर रहे हैं हम लोग, ये अपडेट जो कर रहे हैं हम लोग फॉर द थीटा जीरो एंड थीटा वन, कैसे ये जो है अप्रोच कर रहा है मिनिमम की ओर. ठीक है, तो यहाँ पे आपका तो सिंगल पैरामीटर है, दैट इज सिंगल फॉर दिस कॉस्ट फंक्शन वी हैव टेकन ओनली सिंगल वेरिएबल. सो लेट्स लुक एट दिस. सो अब जो है अगर मान लेते हैं कि सिंगल वेरिएबल के लिए है, तो आपका ये जो थीटा वन है, सिर्फ थीटा जीरो तो होगा नहीं क्योंकि थीटा जीरो नहीं ले रहे हम लोग, तो ये थीटा वन क्या होगा, थीटा वन न्यू इज इक्वल टू थीटा वन ओल्ड माइनस सम लर्निंग रेट एंड डेल थीटा वन जे थीटा वन. सो व्हाट वी आर टेकिंग हियर इज द डेरिवेटिव ऑफ जे थीटा वन, एंड दैट डेरिवेटिव विल गिव यू द स्लोप. एंड लेट सपोज दैट द लर्निंग रेट इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी. सो
लर्निंग रेट इज़ अ पॉजिटिव क्वान्टिटी एंड लेट सपोज दैट ऑन दिस फंक्शन यू आर हियर राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वट यू आर डूइंग इज कैलकुलेटिंग द स्लोप एट दिस पॉइंट सो ये आपका स्लोप है राइट सो दिस इज द स्लोप यू आर कैलकुलेटिंग नाउ दैट स्लोप इफ यू विल लुक दिस स्लोप इज पॉजिटिव राइट सो दिस स्लोप इज पॉजिटिव सो नाउ थीटा दिस इज द थीटा वन डायरेक्शन राइट ऑन द एक्स एक्सिस नाउ द थीटा वन न्यू विल बी सो सपोज यू वेयर आप यहाँ इस पॉइंट पे थे तो दैट इज दैट वॉज द ओल्ड पॉइंट सो लेट कंसिडर दैट इज द थीटा ओल्ड सो थीटा वन ओल्ड माइनस अल्फा टाइम्स सम पॉजिटिव क्वान्टिटी सो यू सी दैट आप यहाँ पे थे ना नाउ वेयर दिस जो न्यू थीटा आपका आ रहा है थीटा वन न्यू ये किधर की ओर आएगा इस ग्राफ में आप बताओ मुझे कि ये जो है थीटा वन न्यू थीटा वन ओल्ड था यहाँ पे था थीटा वन ओल्ड राइट ये इस पॉइंट पे था आप यहाँ पे थे ये थीटा वन ओल्ड था अब क्या हो रहा है कि सम क्वांटिटी इससे पॉजिटिव क्वांटिटी सम ये ओवरऑल क्या होगा सम पॉजिटिव क्वांटिटी होगा जो कि इससे माइनस हो रहा है तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप जो है इस डायरेक्शन में जा रहे हो राइट एंड मतलब कि आप मिनिमम की तरफ अप्रोच कर रहे हो ठीक है अभी भी अगर सेंस नहीं बना तो लेट्स टेक वन मोर थिंग वन मोर सो लेट्स लुक अगेन इनटू द सिंगल वेरिएबल फॉर द सिंगल वेरिएबल इन कॉस्ट फंक्शन सो लेट्स टेक दिस टाइम जे थीटा वन सो दिस इज हाउ द कॉस्ट फंक्शन विल लुक लाइक फॉर सिंगल पैरामीटर और सिंगल वेरिएबल फॉर थीटा वन एंड दिस इज थीटा वन राइट नाउ लेट सपोज दिस टाइम यू आर हियर ओके नाउ नाउ लेट्स लुक एट दिस एक्सप्रेशन सो नाउ थीटा वन न्यू वट विल बी द थीटा वन न्यू सो यू आर हियर सो लेट्स टेक दिस एज थीटा वन ओल्ड सो थीटा वन ओल्ड थीटा वन ओल्ड माइनस अल्फा टाइम्स दैट इज लर्निंग दैट इज सम पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी एंड डेल डेल थीटा वन ऑफ जे थीटा वन सो व्हाट इज दिस क्वांटिटी व्हाट विल बी द दिस क्वांटिटी एट दिस पॉइंट वेयर यहाँ पे आपका क्या होगा इस पॉइंट पे सो ये क्या है ये आपका ये वाला पार्ट स्लोप है ना तो स्लोप आप देखो यहाँ पे कैसा आ रहा है सो एट दिस पॉइंट व्हाट स्लोप यू आर गेटिंग इज द नेगेटिव वन राइट सो स्लोप इज नेगेटिव हियर सो नाउ दिस थीटा वन जो न्यू आएगा आपका वो थीटा वन ओल्ड आपका कहाँ था इस पॉइंट पे था देखो आप यहाँ पे थे ठीक है इस पॉइंट पे थे सो थीटा वन ओल्ड माइनस अब ये क्या आ रहा है सब नेगेटिव आ रहा है ना ये स्लोप आपका नेगेटिव आ रहा है सो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा अल्फा टाइम्स ये पॉजिटिव हो जाएगा नाउ ये जो आपका न्यू थीटा है ये न्यू थीटा वो किधर जा रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है आप देखो आप यहाँ पे थे ओल्ड थीटा में यहाँ पे नाउ न्यू थीटा में क्या हो रहा है कि कुछ क्वांटिटी बढ़ रहा है मतलब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो इस डायरेक्शन में जा रहे हो डैट मीन्स कि आप अगेन जो है मिनिमम वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहे हो राइट सो यू सी दैट हाउ दिस एक्सप्रेशन विल अप्रोच टू मिनिमम राइट सो क्या होगा ओवरऑल क्या होगा इसमें देखो क्या होगा आप जैसे कि आप ये लिए ठीक आप यहाँ पे थे ठीक आपने स्लोप फाइंड किया यहाँ पे ठीक है निगेटिव आया तो अब जो है थीटा वन यहाँ पे था ये ओल्ड वैल्यू था तो अब क्या होगा कि ये मिनिमम की तरफ अप्रोच करेगा तो समवेयर आप यहाँ पे आओगे आफ्टर न्यू अपडेट जो आपका थीटा न्यू जो आएगा आप यहाँ पे आओगे ठीक है फिर कैलकुलेट करोगे यहाँ पे स्लोप आप फिर कैलकुलेट करोगे तो फिर पता चला स्लोप निगेटिव है फिर आप अगेन इसी डायरेक्शन में जाओगे
ठीक है, तो फिर आपका ये चीज़ जो है बढ़ते रहेगा। ठीक, इस केस में क्या हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, आपका स्लोप जो है पॉजिटिव आ रहा था। तो अल्टीमेट कहने का मतलब ये है ना कि ये चीज़ जो है ना वो किधर अप्रोच, मतलब कि ये थीटा जीरो और थीटा वन इस तरह से अपडेट हो रहे हैं ताकि ओवरऑल फंक्शन जो है आपका वो मिनिमम की तरफ अप्रोच करे। एंड एट द एंड क्या होगा, एट द एंड मान लेते कि आप यहाँ पहुँच गए, मिनिमम वैल्यू पे पहुँच गए, ठीक है। नाउ इफ़ यू कैलकुलेट द स्लोप हीयर, स्लोप हीयर, सो नाउ थीटा वन को आप जो अपडेट करोगे न्यू से, तो दैट इज़ सम, आपने यहाँ पे थीटा ओल्ड है आपका, माइनस स्लोप तो आपका जीरो आ रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करो तो ये जीरो। तो ये अपडेट जो है, अब देखो आप अपडेट जो है अल्टीमेटली आपका ना के बराबर होगा, सो वी कैन से दैट कन्वर्ज हो गया, ठीक है। सो अगेन यू विल ट्राई टू कैलकुलेट, यू विल गेट द सेम न्यू वैल्यू दैट इज इक्वल टू द ओल्ड वन, ठीक है। तो तब तक हमें करना है ये अपडेट जब तक कि जो है स्लोप, जो आपका ग्रेडियंट है वो जीरो की ओर अप्रोच करे, तब तक मुझे ये चीज़ अपडेट करना है। अब एक लेट्स लुक एट दिस लर्निंग रेट, अगर लर्निंग रेट आपका ये स्मॉल है, सो अल्फा इज स्मॉल, सो ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो क्या होगा, स्लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्फा अगर स्मॉल है आपका और ये आपका क्या है, स्लोप है, देन फॉर दिस जे थीटा वन है, आप सपोज करो यहाँ पे हो, तो नाउ इफ दिस लर्निंग रेट इज स्मॉल देन यू विल टेक स्मॉलर स्टेप, सो अगेन स्मॉलर स्टेप, स्मॉल स्टेप, स्मॉल स्टेप, सो दैट वे जो है यू विल हैव टू डू मोर स्टेप, सो दैट इन दिस केस जो आपका ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम होगा वो आपका स्लो होगा, ठीक है, बिकॉज यू आर टेकिंग स्मॉल स्टेप्स ड्यू टू दिस स्मॉल अल्फा। सो अगर आपका ये लर्निंग रेट बहुत लार्ज है, देन इट मे हैपन दैट ग्रेडियंट डिसेंट कैन ओवर शूट द मिनिमा और इट मे फेल टू कन्वर्ज। सो सपोज यू आर हियर सम वैल्यू ऑफ थीटा वन, एंड इफ दिस अल्फा दैट इज द लर्निंग रेट इज टू लार्ज, एंड इफ यू मल्टीप्लाई विद दिस स्लोप, व्हाट विल हैपन दैट मे बी, तो ओवरऑल क्या हो रहा है ना कि आपको देखिए ये क्वांटिटी तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। सो एंड इफ यू आर हियर विद द निगेटिव स्लोप स्लोप, देन ये थीटा वन ओल्ड के साथ ये चीज़ जो जुड़ेगा तो, और ये जो जुट रहा है वो बड़ा क्वांटिटी जुट रहा है, तो मे बी आप बड़ा स्टेप लोगे, बड़ा स्टेप इन द सेंस कि आपका जो ये थीटा वन जो अपडेट होगा विथ सम बिग वैल्यू उसे अपडेट होगा। सो हियर यू विल गेट द थीटा वन दैट इज़ द न्यू वन। नाउ यू आर अगेन हियर, एंड इफ यू सपोज योर लर्निंग रेट इज़ अगेन, यू हैव टेकन द लर्निंग रेट दैट इज़ बिग वन, सो अगेन वट विल हैपन दैट यू विल गो फ्रॉम हियर टू हियर विथ, सो इट मे हैपन दैट इट मे फेल टू कन्वर्ज टू मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो लर्निंग रेट अल्फा जब आपका स्मॉल है तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या होगा, आपका स्लो होगा। जब लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा आपका स्मॉल है देन ग्रेडियंट डिसेंट कैन बी स्लो बिकॉज देयर विल बी द स्टेप्स ऑफ द स्टेप साइज विल बी वेरी स्मॉल, एंड इफ अल्फा इज टू लार्ज देन ग्रेडियंट डिसेंट कैन ओवर शूट द मिनिमा एंड इट मे फेल टू कन्वर्ज। सो डू वी नीड टू लाइक चेंज द लर्निंग रेट व्हेन वी आर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स दैट इज थीटा वन, डू वी नीड टू चेंज, नो, इवन इफ वी फिक्स द लर्निंग रेट ग्रेडियंट डिसेंट विल टेक केयर ऑफ इट, इट विल अल्टीमेटली कन्वर्ज। सो ग्रेडियंट डिसेंट कैन कन्वर्ज टू लोकल मिनिमा इवन विथ लर्निंग रेट अल्फा फिक्स, सो दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बट लेट्स लुक वन मोर टाइम।
सो विथ दिस जे थीटा वन एंड थीटा वन, सो सपोज लेट सपोज यू आर हियर नाउ, इफ यू ऑब्जर्व दैट द हाउ स्लोप, सो इफ यू विल गो डाउन स्लोप विल डिक्रीज राइट, एंड अल्टीमेटली स्लोप विल बिकम जीरो. सो वॉट वी आर डूइंग इज दैट थीटा वन इज इक्वल टू थीटा वन ओल्ड माइनस सम फिक्स्ड लर्निंग रेट टाइम्स द स्लोप ऑफ जे थीटा वन. सो अगर आप यहाँ पे हो ठीक है, तो जो भी आपका स्लोप आएगा, सम स्लोप आएगा, एंड सबसे पहली बात तो आपको ये आप दो कंपैरिजन करो, आप एक यहाँ पे स्लोप देखो, इस पॉइंट पे स्लोप देखो और इस पॉइंट पे स्लोप देखो, स्लोप ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये ब्लू वाले पॉइंट पे राइट. नाउ अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल करो कि ऐसा सोचो कि आप इस ब्लू पॉइंट पे हो, देन स्लोप इज़ हाइयर राइट, एंड तो अगर आपको यहाँ पे स्लोप स्टेप ले रहे हो, देन ये जो डिक्रीमेंट होगा वो ज़्यादा होगा राइट विद द सेम स्टेप. सो यहाँ पे आप जो है विद द बिगर स्टेप वी विल अप्रोच टू दिस पॉइंट राइट, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जो थीटा वन न्यू है ये क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा आएगा. अब आप एज्यूम करो आप इस रेड वाले पॉइंट पे हो, तो यहाँ पे अब आपका क्या हुआ, स्लोप कम हो गया. नाउ वॉट एवर द स्टेप यू विल टेक दैट विल बी द स्मॉलर फ्रॉम द प्रीवियस वन, सो यू विल टेक सम स्टेप एंड यू विल रीच हियर, अगेन यू विल टेक सम स्टेप दैट विल बी अगेन स्मॉलर देन द प्रीवियस वन, बिकॉज ये स्लोप जो है अल्टीमेटली आपका क्या आ रहा है, डिक्रीमेंट होते जा रहा है वेन एवर यू आर गेटिंग दिस न्यू न्यू थीटा वन राइट. सो अल्टीमेट क्या होगा कि आप बड़ा स्टेप लोगे, फिर स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर इसको स्मॉल, उससे स्मॉल, ऐसे ऐसे करते करते आप लोकल मिनिमा पे पहुंच जाओगे. तो इवन इफ योर लर्निंग रेट अल्फा इज फिक्स्ड, देन द ग्रेडियंट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड अल्टीमेटली दैट इट विल कन्वर्ज टू मिनिमम वैल्यू. ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट द ग्रेडियंट डिसेंट. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लुक, वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट इन लीनियर रिग्रेशन, एंड वी विल ट्राई टू सेट द पैरामीटर दैट इज थीटा जीरो एंड थीटा वन, एंड वी विल विजुअलाइज दैट हाउ वी आर गोइंग डाउन द हिल, एंड हाउ विथ गोइंग डाउन द हिल हाउ दैट थीटा जीरो एंड थीटा वन इज गेटिंग चेंज्ड, एंड आवर हाइपोथेटिस फंक्शन इज गोइंग टू बी ऑप्टिमल फॉर वैल्यू ऑफ थीटा जीरो एंड थीटा वन वेयर द कॉस्ट फंक्शन विल बी मिनिमम. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल इम्प्लीमेंट दिस ग्रेडियंट डिसेंट फॉर आवर लीनियर रिग्रेशन विथ वन वेरिएबल. थैंक यू.